शीशा के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के बारे में कौन नहीं जानता है। समग्र जगत में विख्यात सदगुरु जग्गी वासुदेव अपने आप में एक अनूठे व्यक्ति हैं। अपने ज्ञान की पराकाष्ठा और अपने ज्ञान की गरिमा से सबके दिल जीतने वाले जग्गी वासुदेव ईसा के संस्थापक एक महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके कुंडली के बारे में थोड़ी सी बात आपसे मैं करना चाह रहा हूं। मैं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, वाइट लॉर्ड स्पिरिचुअलिटी का संस्थापक, बैंगलोर इंडिया से। जग्गी वासुदेव के जन्म तिथि समय आदि तो नेट में अवेलेबल उपलब्ध है ही है, तो उसी के आधार पर जो कुंडली मैंने बनाई है और देखी है उसके संदर्भ में मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। आपका हमारे चरण में स्वागत है, नमस्कार। देखिए, जग्गी वासुदेव का जो लग्न है ये है वृषभ लग्न, जिसका मालिक है शुक्र वीनस, और इनका राशि है धनु राशि, जिसके मालिक है गुरु बृहस्पति, और इनका नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, जिसके मालिक है वीनस शुक्र। मतलब लग्न के और नक्षत्र के स्वामी शुक्र, शुक्र मतलब आकर्षण, शुक्र मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरों को, दूसरे का मन को मोह लेता है, दूसरों को अपनी तरफ आकृष्ट करने की क्षमता रखता है, शुक्र ऐसा करता है। जो राशि का लॉर्ड है बृहस्पति, गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के भंडार के मालिक, ज्ञान के ब्रह्मांड में जो अजस्र स्रोत है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति जग्गी वासुदेव ईसा के संस्थापक का इस प्रकार से कम्बिनेशन बनता है। हम देखेंगे कि इनके चार्ट में बृहस्पति और शुक्र किस प्रकार से बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि लग्न के और नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो 66% शुक्र और 33% बृहस्पति। इसको इस प्रकार समझें कि आकर्षण काफी है, मन को मोहने वाली व्यक्तित्व और मन को मोहने वाली वाणी के मालिक होने के कारण ईसा के जग्गी वासुदेव सदगुरु इतने प्रसिद्ध हैं। इनका जो ये पैदा हुए थे, ये पैदा हुए थे आयरन लोहे पाई में पैदा हुए थे, तो इनका बाल्यावस्था बहुत संघर्ष से बीतती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप उनका बैकग्राउंड को ना जानते हैं कि किस प्रकार से एक मध्यवित्त परिवार से आए हुए इस व्यक्ति ने एक ऐसा मुकाम खड़ा कर दिया जिंदगी में जो कि सबको उनका कायल बनाती है। लोहे के पाए में पैदा हुए बहुत सारे लोग वहीं रुक जाते हैं, लेकिन संघर्षशील व्यक्ति जो होता है वो अपने भाग्य को ही पलट देता है। ये ऐसा व्यक्तित्व है जो कि अपने भाग्य को पलट कर निखार कर एक ऐसा अनूठा आदर्श प्रस्तुत किया हुआ है कि काफी अनुकरणीय है। ये जो इनका जाति है, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि आप जिस भी जाति में पैदा हुए हों उससे फर्क नहीं पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी की जाति अलग होती है। ये पैदा हुए हैं क्षत्रिय जाति में, क्षत्रिय का मतलब यह है कि जुझारूपन, जो करने की ठान लेते हैं उसको करके ही दम लेते हैं। क्षत्रिय कौन होता है? राजा होते थे पहले, राज करने वाले। ये राजा ऐसे हैं जो कि दिल पे राज करते हैं आपके। क्षत्रिय वाले, क्षत्र की जाति के जो होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, वो कैसे होते हैं? जो डाउन ट्रोडन हैं, जो गरीब गुरुवार लोग हैं, जो कि असहाय लोग हैं, जिनकी मदद की जरूरत है। देखिए, असहाय का मतलब केवल निर्धन होना नहीं है। आप पैसे वाले हो सकते हैं, आप शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपको सहायता की जरूरत है, वहां भी ये जो मैं कह रहा हूं लागू होता है। उन्होंने बहुत सारे जो काम कर रहे हैं वो गरीबों के लिए, गांव में शिक्षा का प्रसार के लिए, पानी के लिए बहुत प्रकार के काम कर रहे हैं। एफरेस्टेशन वगैरह जैसे हैं, कावेरी नदी के बारे में काम कर रहे हैं, या वहाँ जो आसपास गांव हैं उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं। और जो समृद्ध लोग हैं, जिनको धन की तो कमी नहीं है लेकिन सुख की कमी है, जो चिंताओं से घिरे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ये अनवरत काम कर रहे हैं। तो ये क्षत्रिय होने का लक्षण इस प्रकार से दर्शाया जाता है। फिर ये ऐसे हैं कि इनके ऊपर जो है, हम कहते हैं कि आपके कोई पैदा होता है कि हम कौन से योनि से आप प्रोग्रेस करके आए हुए हैं, तो आपको सुनकर हो सकता है हंसी आए, क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से तो ये इनके ऊपर संस्कार जो है ये है मंकी का, मेल मंकी का।
जैसे मैं हूँ, मैं काउ का हूँ, फीमेल काउ का मेरे ऊपर असर है, किसी के ऊपर सांप का होता है, किसके ऊपर नेवला का होता है, तो किसके ऊपर बुल का होता है। तो अलग अलग जो हम कहते ना कि 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य जन्म आए हुए हैं, तो कुछ संस्कार प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं। तो मंकी का मतलब ये हुआ कि फुर्तीला, यहां से वहां कूद जाना, चले जाना। आप जानते हैं कितना ट्रैवल करते हैं, ये अनवरत ट्रैवल करते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं है, टिके ही नहीं कभी। पहले तो योग सिखाते रहे लोगों को बाइक में घूम घूम कर, उसके बाद में शादी होने के बाद में भी मैसूर से चले गए, कोयम्बटूर चले गए, अभी तो पूरे विश्व में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो भ्रमणशील स्वभाव जो है, इसका इतना ही इंगित मानना चाहिए, मतलब समझना चाहिए। इनकी जो नाड़ी है, ये है मध्य नाड़ी में जो नाड़ी पद है, ये आदि पद। मध्य नाड़ी का मतलब क्या हुआ, वात पित्त कफ। तो वात है आदि, मध्य है पित्त, और अंत होता है कफ। ये पित्त स्वभाव वाले जो होते हैं ना, ये इनका मध्य नाड़ी है। पित्त स्वभाव होने का मतलब ये हुआ कि इनमें काफी ऊर्जा होती है। पित्त का मतलब अग्नि, अब जानते हैं पित्त, यहां सूर्य और बृहस्पति से पित्त, जल और अग्नि से बनता है पित्त। तो जल स्वभाव और अग्नि का स्वभाव अजीब कॉन्ट्रा फोर्स है, लेकिन दोनों मिलकर पित्त बनाते हैं। पित्त से आपकी जठराग्नि होती है, आग जलती है। तो कहते ना कि फायर ऑन द बेली, तो इनके फायर ऑन द बेली काफी प्रबल होने से ये बहुत सारे काम कर पाते हैं। पित्त आपको उग्रता देता है, काम करने की शक्ति देता है, एक जिद ठान लेता है आदमी, इस प्रकार से काम कर पाते हैं। और फिर इनकी आदि जो नाड़ी पद है, ये आदि है। आदि हो गया वात, वात मतलब आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या है, विशुद्धि चक्र, अज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, तीनों मिलकर बनता है आकाश तत्व। ये आकाश तत्व के हैं, मतलब पित्त का, पित्त में टोटालिटी पित्त है, और पित्त में जो ड्राइविंग फोर्स है, ये है आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड की शक्ति के बारे में, ब्रह्मांड के ज्ञान के बारे में, ब्रह्मांड की जो अनसुझी ना समझने वाली गुत्थियों से उलझी हुई तथ्यों के बारे में जानकारी पैदा करना, उसको सरलतम ढंग से प्रकाश करने की क्षमता रखना, इनमें इससे आया हुआ है। जो मैं कहता हूं कि पित्त और वात के मिलन से, इसलिए इनका जो मन चलता है, ये ब्रह्मांड में मन चलता है, गति करता है ब्रह्मांड में। इस प्रकार से इनकी जो मानसिक धरातल है, या मन की उड़ान जो है, ये ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। इसलिए इन सब कोई भी सवाल जवाब करते हैं तो ये तुरंत जवाब दे पाते हैं, क्योंकि अनंत शक्तियों, अनंत ज्ञान की भंडार से ये इनकी एंटीना जो है जुड़ी हुई है। फिर ये मनुष्य गण के हैं, ये ना तो राक्षस गण के हैं ना देवगण के हैं। तो ये व्यावहारिक भी है, जहां ठोस पना होता है, निर्णय लेने की बातें होती है, वहां लड़ जाते हैं, और जहां करुणा की बातें होती हैं, वहां करुणाबान भी हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ईशा के जगी वासुदेव मनुष्य गण होने से ये दोनों का सम्मिश्रण है, एक अनूठा सम्मिश्रण है। कलयुग में मनुष्य गण होना बहुत उत्तम है। इनके चार्ट में मार्स अच्छा नहीं है, मंगल अच्छा नहीं है। मंगल अच्छा नहीं होने से क्या होता है कि मंगल की शक्ति ज्यादा उग्र जब हो जाए, तो मैं कहता हूं अच्छा नहीं है। उग्रता से क्या होता है कि शक्ति अजस्त्र होती है, लेकिन थोड़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो दोस्ती कर नहीं पाते हैं, पार्टनरशिप कर नहीं पाते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे इनके शिष्य हैं जो इनके विरोधी हो गए हैं, इनको लाइक नहीं करते, इनको क्रिटिसाइज करते हैं, इनके बहुत सारे शत्रु पैदा हो जाते हैं, गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं जिसका मंगल अच्छा नहीं हो। तो इनके भी बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं। आप जानते हैं कितने सारे कोर्ट केस लोगों ने लगा रखे हैं, परेशान करने के लिए लोग अनवरत लगे हुए हैं इनके पीछे। ये मंगल ठीक नहीं होने के कारण इनको होता है। बगलामुखी की देवी की साधना से मंगल जो अच्छा नहीं है वो ठीक हो सकता है। छह मुखी रुद्राक्ष पहनने से फायदा हो सकता है, ये तो खुद रुद्राक्ष के बारे में बताते हैं, जानते हैं, तो इन्हें हम क्या बताएं। हम बात करेंगे कि इनकी जो कुंडली है, कुंडली में किस प्रकार की स्थिति है। इनकी कुंडली इस प्रकार से बनती है, ये उनकी कुंडली है। मैं बताता हूं आपको कि इनके जो कुछ घर को मैं ले रहा हूं जो कि रेलिवेंट है हमारे डिस्कशन के लिए। रेलिवेंट डिस्कशन के लिए ये है कि फोर्थ हाउस में, चौथे हाउस में जो इनकी टेम्परामेंट की बातें जहां से सृष्टि होती है, तो वो उसमें है सूर्य, बुध और मंगल।
सूर्य बुध साथ में बैठने से बुध आदित्य योग बनाते हैं, ज्ञान की पिपासु होते हैं और ज्ञान को बांटने के बहुत अग्रणी होते हैं। इसलिए ईशा के जगी वासुदेव जो होते हैं जो हैं ये ज्ञान के अजस्र ज्ञान के मालिक हैं। सूर्य बुध हरदम आपको ज्ञान देते हैं और ज्ञान को अप्लाई करने की भी शक्ति देते हैं, ज्ञान की बांटने की क्षमता भी आपको देते हैं। वहीं मंगल जब बैठ जाता है तो सूर्य और मंगल साथ में बैठने से काफ़ी एनर्जी का स्रोत का भंडार फूट पड़ता है, तो बहुत सारी शक्ति इनके पास है। लेकिन जैसे बताया मैंने, मंगल अच्छा नहीं होने के कारण में ये अपने विरोधी गुप्त शत्रु को पैदा कर लेते हैं अनजाने में। इनके पंचम भाव में बैठे हुए हैं शुक्र और बृहस्पति दोनों, अजूबा मिलन है। शुक्र जो है इनका 60% रूलर है आप जानते हैं, और 33% धनुराशि होने के कारण में गुरु बृहस्पति उसके मालिक हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों साथ में बैठे हुए, मतलब लगन के, नक्षत्र के और राशि के तीनों के स्वामी एक घर में बैठे हुए हैं। क्या अजूबा मिलन है ये, क्या कॉम्बिनेशन है ये, वो भी क्रिएटिविटी हाउस में, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं। बृहस्पति तो हो गए देवता के गुरु, शुक्र हो गए राक्षस हो गए गुरु, मतलब दोनों गुरु एक साथ, राक्षस हो गए गुरु और देवता गुरु एक साथ क्रिएटिव हाउस में बैठना। तो बृहस्पति बैठने से इनको देता है ज्ञान की बातें करना, ज्ञान, और शुक्राचार्य ये देते हैं मायावी शक्ति, लोगों को मन को मोहने वाली शक्ति, अपने प्रेजेंस से ही लोगों को प्रभावित करने की शक्ति, ये जो आई हुई है ये कम्युनिकेशन को आता है। और राहु बैठा है छठे घर में, बनाता है उनको शत्रु संहारक, जो दुश्मन होंगे धराशायी होंगे ही होंगे। तो इस घर में राहु बड़ा प्रबल होता है और वहां से बैठे बैठे ये कहां देखेगा, कार्यक्षेत्र को, मतलब कनेक्शंस विद द फॉरेनर्स, विदेशी लोगों से संपर्क बनाना। इनके बहुत सारे शिष्य हैं पूरे विश्व में, तो विदेश यात्रा का योग बनाते रहना, विदेशों में जो लोग रहते हैं उनसे कनेक्शन करना, प्रसिद्धि पाना विदेश में, ये इनको राहु से मिल जाता है। केतु बैठा है 12th हाउस में, तो इनको बनाता है लास्ट बर्थ इन द लाइफ साइकिल। केतु 12th हाउस में बैठने से ये परम सवानी को उपलब्ध होने वाले हैं, जीवन में स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग उनका जो एंटीना है, मैं कहता हूं ना केतु का एंटीना है सहस्रार चक्र है, ये 12th हाउस में बैठने से, अंतिम हाउस है 12th हाउस, 1 से 12 करके कुंडली में, वहां बैठने से आप ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। और जब आप का अंत होता है, ये शारीरिक शरीर का अंत होता है, तो आप ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, मतलब आप एनलाइटेंड डेथ आपकी होती है, ये बताता है। चलते चलते बात कर दूं मैं शनि के बारे में। शनि इनके बैठा हुआ है रिलेशनशिप हाउस में, जहां की मंगल की दृष्टि है। मंगल अच्छा नहीं है, मंगल अच्छा नहीं होने से पारिवारिक सुख में कमी आती है। पारिवारिक जो सुख की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी आदमी चला जाता है एक एक्सट्रीम में चला जाता है एनर्जी, तो फिर ये जो मानवीय संबंध की बातें करते हैं पति पत्नी की, उसमें कमी आ जाती है। उनकी जो पत्नी थी वो खुद स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक थी, तो हो सकता है कि ऐसी कोई बातें समझ में नहीं आ रही है लोगों को, लेकिन ये साधारण गृहस्थ होते हैं तो इनके काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जरूर। यदि ये साधारण गृहस्थ होते तो बड़ी परेशानी हो जाती, क्योंकि मंगल अच्छा नहीं है और शादी वाले घर को देख रहा है तो इनमें झगड़े अनबन होते हैं। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक खुद रहे हैं और उनकी पत्नी भी आध्यात्मिक मार्ग में थी, इसलिए इन चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा होगा। और एक बात है कि शनि जब शादी वाले घर में बैठता है तो ये शादी में दुख पैदा करता है। दुख का मतलब क्या है कि निरसता पैदा कर देता है। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक रहे हैं तो हो सकता है कि जिस संबंध की बात हम लोग समझते हैं, जो प्रेम की बात हम समझते हैं और जो शारीरिक सुख की बात हम लोग समझते हैं, इनकी समझ के हिसाब से दूसरा होगा। क्योंकि पति पत्नी ये दोनों ही विरले टाइप के थे, आध्यात्मिक थे, तो शायद इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा उनको। और ये भी कह सकते हैं कि भाई क्योंकि इसमें दुख था, निरसता थी, तो आध्यात्मिक भाव में गति होती है, क्योंकि एनर्जी तो एक ही है। या तो आप प्रेम में, संभोग में इसको लगा लीजिए, या आध्यात्म में लगा लीजिए। आप कहेंगे मैं आध्यात्मिक कर लूँ, ध्यान भी कर लूँ, संभोग भी कर लूँ और शारीरिक सुखों में गति कर लूँ, ये नहीं होता है। एक ही मार्ग में शक्ति चलती है। तो इन्होंने इस मार्ग को चुना जो कि आध्यात्मिक मार्ग हो। तो इस प्रकार से इनके जीवन में जो पारिवारिक सुख की बातें होती हैं, जो सांसारिक सुख के बात होती है, उसमें कमी पाई जाती है। लेकिन समाज कल्याण के लिए, आध्यात्म मार्ग में अग्रसर होने के लिए, लोगों को राह दिखाने के लिए, मानव समाज का उत्थान करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए,
जो ये चार्ट है, ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पावरफुल है। तो ये संक्षेप में छोटी मुंह बड़ी बात, सूरज को दीपक दिखाने की बातें हैं। तो केवल कि एस्ट्रोलॉजी एक अंधविश्वास नहीं है, डॉगमेटिक नहीं है और एक एनालिटिकल साइंस है, इस बात को अब तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा बैंगलोर इंडिया से, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।